रुक रुक के ना देख रुक रुक के, रुक रुक के ना देख रुक रुक के, देख बिना ब्रेक। डाउनलोड टक ऐप। हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत करने वाले आरोपी ढेर हो गए। वारदात को बीते 10 दिन भी नहीं हुए और आरोपी का मामला क्लोज हो गया। लेकिन एक और केस है जो 7 साल से चला आ रहा है। तारीख 16 दिसंबर 2012, जगह दिल्ली। एक लड़की अपने एक दोस्त के साथ फिल्म देखकर राजधानी दिल्ली की सड़कों पर लौट रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसके साथ हैवानियत का खेल खेला गया। वो हैवान उस पर टूट पड़े थे और उसका दोस्त बस लाचार होकर देखता रह गया। पुलिस ने फुर्ती दिखाई, प्रेशर भी काफी था और फौरन इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। आरोपियों पर सजा का ऐलान भी किया गया, लेकिन इस बीच एक दोषी की मौत जेल के अंदर ही हो गई। बाकी के बचे दोषी जेल में बंद रहे और सजा की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। जो मैं 7 साल से संघर्ष कर रही हूँ, कोर्ट कोर्ट के धक्के खा रही हूँ, आज भी मैं लोअर कोर्ट के चक्कर लगा रही हूँ कि उनको फांसी दीजिए, लेकिन कोर्ट कह रहा है कि उनका ह्यूमन राइट है, हम फांसी नहीं दे सकते। तो आज ये कोर्ट को, सरकार को, दिल्ली पुलिस को, सबको देखना चाहिए कि आज हैदराबाद के पुलिस ने क्या नजीर पेश किया है। तो मेरा अपने न्याय व्यवस्था से, अपने सरकार से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी निर्भया मुजरिमों को फांसी दें और एक समाज में नजीर पेश करें कि नई बच्चियों के साथ होगा कुछ, जिस तरह से क्राइम तोड़ के वो क्राइम करेंगे उसी तरह से उनको सजा मिलेगी। 2012 से लेकर अब 2019 आ चुका है, महीना भी वही दिसंबर का है, लेकिन दोषियों को सजा नहीं मिली है। बस वो सजा की तारीख का इंतजार कर रही है। लोअर कोर्ट ने सजा दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा मुकर्रर की, लेकिन फांसी की सजा अब तक हुई नहीं। तिहाड़ जेल में अब भी वो दोषी बंद हैं, जेल की रोटियां तोड़ रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कब आएगा फैसला। जेल में बंद दोषी की ओर से दया याचिका दिल्ली के राज्यपाल के पास भेजी गई, लेकिन वहां से भी दया याचिका खारिज हुई। फाइल गृह मंत्रालय के पास भेजी गई, लेकिन निर्भया के साथ ऐसी हैवानियत करने वालों के प्रति गृह मंत्रालय को भी कोई दया नहीं है। दया याचिका हालांकि वहां से राष्ट्रपति के पास भेजी गई है। अब राष्ट्रपति तय करेंगे कि क्या वो हैवान दया के लायक है। ये मर्सी पिटीशन के अधिकार को यदि ऐसे केसेस में जो पॉक्सो एक्ट के तहत जो घटनाएं होती हैं उनको मर्सी पिटीशन के अधिकार से वंचित करते हैं। उन्हें इस प्रकार के किसी भी अधिकार की जरूरत है। अब ये सब हमारी संसद पर निर्णय करता है, क्योंकि उसमें एक संविधान संविधान का। इस बीच निर्भया का परिवार हैदराबाद पुलिस के काम को लेकर तारीफ कर रहा है, लेकिन मांग कर रहा है कि 7 साल निर्भया कांड को भी हो गए हैं और पूरा इंसाफ अभी तक नहीं मिला। हम जिस तकलीफ में गुजर रहे हैं आज भी देख रहा हूं कि हमारी केस को 7 साल हो गए, लेकिन वो दरिंदे आधे जिंदा हैं और हम रोज मरते हैं। जब कोर्ट में जाते हैं तब उनके वकीलों का सामना होता है, कुछ ना कुछ ऐसे वो शब्द बोलते हैं जैसे हम लोग को तकलीफ हो। तो हम जो तकलीफ झेल रहे हैं, कम से कम वो परिवार तो तकलीफ नहीं झेलेगा, उन वकीलों का और उन मुजरिमों का कि अभी जिंदा है। कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना था, फांसी की सजा दी गई थी और वह हैवान अब भी उम्मीद लगाए बैठा है कि दया मिल सकती है। लेकिन देश को एक ही उम्मीद है, दया तो नहीं मिलेगी। हाँ, मिलेगी तो जरूर, वो है फांसी, फांसी और फांसी।